साइन ऑफ वीकनेस। अब बार्स पर आते हैं, नंबर वन पे ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है, साइन ऑफ वीकनेस हमेशा अप बार पर आता है। ये बार्स जो है नैरो स्प्रेड हो सकती हैं और वाइड स्प्रेड भी हो सकती हैं। व्हाट इज नैरो स्प्रेड एंड वाइड स्प्रेड? स्प्रेड हम समझते हैं कि किसी भी एक बार का जो साइज होता है उसके हाई और लो के दरमियान का फर्क, वो एक उस बार का स्प्रेड कहलाता है। ठीक है, तो नैरो स्प्रेड का क्या मतलब है कि छोटा स्प्रेड, ठीक है, छोटे स्प्रेड वाली कोई भी बार है हम उसे क्या कहते हैं, नैरो स्प्रेड, राइट। और अगर इस तरह की कोई बड़े स्प्रेड वाली हमें बार मिल जाती है तो इट मींस कि ये क्या कहलाती है, वाइड स्प्रेड बार, राइट। अच्छा, ये कंपेयर किया जाता है, ये तमाम चीजें जैसे पिछली क्लास के अंदर भी मैंने डिटेल से बताई थी तमाम चीजें कि ये हमेशा से कंपेयर किया जाता है। अगर इसके पीछे वाली तमाम बार्स भी इसी साइज की हों तो इसका ये मतलब है कि ये वाइड स्प्रेड नहीं है, ओके। और अगर इसके पीछे वाली तमाम बार्स इसी साइज की चल रही हैं तो इट मींस कि ये नैरो स्प्रेड नहीं है, ठीक है। तो एज पर एज आपने कंपेयर करना है चीजों को आपस में, तो अगर कुछ नॉर्मली कुछ ये साइज चल रहा है एक प्राइस सेक्शन के अंदर, तो कुछ इस तरह की बार आपको मिल जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक वाइड स्प्रेड बार है, राइट। तो साइन ऑफ वीकनेसेस के अंदर नैरो स्प्रेड बार भी मिल सकती है और वाइड स्प्रेड बार भी मिल सकती है। क्लोज, मिडिल, हायर और लो के बीच में कहीं भी हो सकता है। क्लोज पढ़े थे हमने लास्ट सेशन के अंदर, तो मिडिल दरमियान में हो गया तकरीबन ये थोड़ा सा ऊंचा बन गया, थोड़ा सा ऊपर बन गया। तो अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो भी ये साइन ऑफ वीकनेस ही है। अगर हायर है समवेयर लाइक दिस तब भी ये साइन ऑफ वीकनेस कहला सकता है, और इसी का जो क्लोज हो सकता है वो लो के पास भी हो सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर ये ऑन द हाई अगर क्लोज है तो हम इसे साइन ऑफ वीकनेस नहीं कहेंगे, राइट। अब बात आती है वॉल्यूम कैन बी हाई और लो। वॉल्यूम पिछली क्लास में हमने देखा मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वॉल्यूम की, मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं। तो इन साइन ऑफ वीकनेसेस के अंदर जो वॉल्यूम होता है ना वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। वो साइन टू साइन वेरी करेगा। अभी हम कोई साइन स्टडी नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो पिछले सेशंस के अंदर ऐसा हुआ कि इन तमाम चीजों को आपस में मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जस्ट हम वीकनेसेस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। नैरो स्प्रेड इंडिकेट्स नो प्रोफेशनल बाइंग। मिसाल के तौर पर अगर बार्स का साइज कुछ इस तरह से चल रहा है और नैरो स्प्रेड आनी शुरू हो जाती है, मतलब कोई भी ऐसा साइन आपके पास अपीयर होता है जो नैरो स्प्रेड पे होता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रोफेशनल जो है ना वो बाइंग नहीं कर रहे इस वक्त। अगर इसकी क्या वजह है, हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ मार्केट में नहीं आते, ठीक है। जब आप बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आ रहे हो तो ऑब्वियसली मार्केट मूव करेगी आपके वॉल्यूम के साथ, मतलब हम जो 0.01 की जो ट्रेड लगा रहे होते हैं ना एग्जैक्टली वो भी ऑर्डर मार्केट को मूव करवा सकता है, लेकिन हमें उस ऑर्डर प्लेस करने के बाद मूवमेंट नजर क्यों नहीं आती,
इस वजह से कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो वहीं पे कहीं पे छुप जाता है, बट वो मार्केट पे इम्पैक्ट डालता जरूर है। 0.01 का ऑर्डर अगर आपने बाय लगाया, तो अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर फर्ज करो कि ऊपर कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ, तो प्राइस आपके ऑर्डर के साथ मूव लाजमी करेगी, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स की सूरत में, मार्केट ऑर्डर्स की सूरत में लगे हुए होते हैं, इस वजह से, और वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, तो इस वजह से हमारे 0.01 के ऑर्डर के साथ मार्केट मूव नहीं कर रही होती। ठीक है, बात को समझे आप। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे ऑर्डर से मार्केट मूव कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली हमारे ऑर्डर से मार्केट मूव कर सकती है, बट हम एक बहुत बड़े हुजूम के अंदर खड़े होते हैं, इस वजह से हमारी कोई शनाख्त नहीं नजर आती हमें ना। मतलब मैं जस्ट एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स की मौजूदगी की वजह से हमारा अगर 0.01 का ऑर्डर होता है, तो उसकी वजह से मार्केट मूव नहीं करती है, राइट? अब इसी नॉलेज को आप प्रोफेशनल बाइंग के ऊपर अप्लाई करो। हम ये जानते हैं कि प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मार्केट में जब भी आते हैं वो बड़े वॉल्यूम के साथ आते हैं, छोटे वॉल्यूम के साथ मार्केट में नहीं आते। तो जब वो किसी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट में आएंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट मूव करना चाहिए उनके ऑर्डर के लगने के बाद ना, मार्केट को मूव करना चाहिए, ठीक है? एज लॉजिक जो मैंने आपको बताई, इस लॉजिक के थ्रू आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मार्केट को मूव करना चाहिए लाजमी, बट ऐसा नहीं हो रहा। ये वाली जो बार है ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि स्प्रेड नैरो स्प्रेड है, स्प्रेड छोटा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव नहीं किया। मैं मिसाल के तौर पे M15 की बात कर लेता हूं, ठीक है? तो अगर ये नैरो स्प्रेड बार आपको मिलती है M15 के टाइम फ्रेम पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रोफेशनल जो है वो बाइंग नहीं कर रहे। अगर ये बाइंग कर रहे होते तो ये स्प्रेड ज्यादा बनता, यहां तक कहीं पे भी, ठीक है? तो नैरो स्प्रेड बार जो मिल रही होती है, इसका मतलब होता है कि ये प्रोफेशनल बाइंग नहीं हो रही। हम ये जानते हैं कि साइन ऑफ वीकनेस जो है वो अप बार्स पर आते हैं, ठीक है? तो इस अप बार को थोड़ा सा डिटेल में देखो, डिटेल के अंदर, तो आपको कुछ इस जोन के अंदर सेलिंग नजर आ रही है, ठीक है? इस जगह पर आपको सेलिंग नजर आ रही है। मार्केट क्या कर रही है? मार्केट यहां तक आती है, यहां पर आने के बाद अगेन मार्केट नीचे आ रही है, और इस जगह पे, इस क्लोज की जगह पे क्लोज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि इस जोन के अंदर सेलिंग हुई है, ठीक है? तो ये सेलिंग हमें क्या बता रही है? ये सेलिंग हमें क्या बता रही होती है? ये सेलिंग एक्चुअली इस वजह से हो रही होती है कि ये मार्केट अगर इस तरह से ऊपर चल रही होती है ना, तो इस ऊपर जाती हुई मूव को एक्चुअली रोका जा रहा होता है, ठीक है? ऊपर जाती हुई मूव को रोका जा रहा होता है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए हाई वॉल्यूम आना जरूरी है, हाई वॉल्यूम आना जरूरी है इसके लिए। देन हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ये जो वॉल्यूम यूटिलाइज किया गया है, ये सेलिंग का वॉल्यूम है, और इसको बाइंग जो हो रही थी मार्केट में, उस बाइंग को रोकने के लिए ये वॉल्यूम इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट? तो दिस सेलिंग प्रिवेंट्स एन अटेम्प्ट टू मूव अप, एग्जैक्टली जो मैंने आपको भी बताया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार्स, क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी, क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो अगर हम वॉल्यूम को निकाल देते हैं, मतलब इसको आप छोड़ दो, इसको ना देखो, तो हमारे पास पीछे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, ठीक है? तो प्राइस एक्शन तो ऊपर जाई जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है। प्राइस एक्शन के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? प्राइस एक्शन में तो बाइंग हो रही है, एग्जैक्टली मतलब
बाइंग के अलावा में सेलिंग तो नजर आ ही नहीं रही कहीं पे। तो ऐसे में क्या होता है, स्मार्ट मनी हमेशा ट्रैप कर रही होती है, ठीक है। स्मार्ट मनी का क्या मतलब है, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स या इंस्टीट्यूट्स। तो सिर्फ इस प्राइस एक्शन को देखते हुए या प्राइस एक्शन के साथ अगर आप MT4 के अंदर जो इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, RSI हो गया, स्टॉकेस्टिक हो गया, MACD हो गया, ब्ला 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 ब्ला, तो ये तमाम इंडिकेटर्स भी क्या कर रहे होते हैं, इस प्राइस के, इस प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से। मतलब मैं अगर यहाँ पे इंडिकेटर विंडो बनाऊं तो ये इंडिकेटर भी आपको ऐसी जगह पे बाय का सिग्नल दे रहे होते हैं। जब कुछ ऐसा सिनेरियो मिलता है ना, तो ये इंडिकेटर भी आपको बाय का सिग्नल ही दे रहे होते हैं, राइट। और प्राइस एक्शन अगर आप नेकेड कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, तो नेकेड प्राइस एक्शन के अंदर भी एग्जैक्टली आपको बाइंग ही नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन VSA की खूबसूरती क्या है, VSA की खूबसूरती ये है कि आप जब वॉल्यूम को ऐड कर रहे हो ना, तो आप जो ट्रैप मूव्स हैं आप उनको पहचान सकते हो। वो कैसे पहचान सकते हो, वो तो खैर अभी हम साइंस को पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर हम देखेंगे। तो ये क्लासिक ट्रैप होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ऑन अप बार्स, इस तरह की अप बार्स हों और इन पे अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है इस तरह का, तो ये एक ट्रैप होता है प्राइस एक्शन वालों के लिए, लैगिंग इंडिकेटर वालों के लिए, और जो VSA का नॉलेज नहीं रखते एग्जैक्टली, ये उन लोगों के लिए एक ट्रैप होता है। और स्मार्ट मनी का जो फेवरेट गेम है वो रिटेलर्स को ट्रैप करना है। अगर इसी तरीके से प्राइस ऊपर जाती जा रही है, प्राइस ऊपर जाती जा रही है और आप ये देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा नहीं आ रहा, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्रोफेशनल्स हैव नो इंटरेस्ट टू द अपसाइड। हाउ, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि प्रोफेशनल्स होते हैं वो थोड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट में नहीं आते, कम वॉल्यूम के साथ मार्केट में नहीं आते, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली वॉल्यूम किस तरह का इस वक्त मार्केट में आ रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो अगर कम वॉल्यूम आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस मूव के अंदर प्रोफेशनल्स शामिल नहीं है, इस मूव के अंदर प्रोफेशनल्स शामिल नहीं है, ठीक है। और अगर इस मूव के अंदर प्रोफेशनल्स शामिल नहीं है तो क्या, तो इसका ये मतलब है कि प्राइस किसी जगह से, किसी वो जगह कौन सी हो सकती है, वो रेजिस्टेंस हो सकती है कि प्राइस किसी रेजिस्टेंस से वापस पलटने वाली है, या आप ये कह सकते हो कि प्राइस जो है वो गिरने वाली है, ठीक है। तो लो वॉल्यूम एक्टिविटीज होती हैं वो एक्चुअली हमें इस तरह के कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि प्रोफेशनल्स हैव नो इंटरेस्ट, क्योंकि इस मूव के अंदर प्रोफेशनल शामिल नहीं है, शामिल क्यों नहीं हो सकते, कि उनको इंटरेस्ट नहीं है प्राइस के ऊपर जाने में, ठीक है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है विद लो वॉल्यूम तो आप क्या करोगे, आपने कभी भी उसको ट्रेड नहीं करना। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा सेल के लिए जाने के लिए आप प्राइस टॉप से ट्रेड करोगे, हमेशा बाय के जाने के लिए आप बॉटम से ट्रेड करोगे, दरमियान में कहीं से भी प्राइस को ट्रेड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम इंडिकेशन है ये आपको पहले से पहले बता रहा होता है कि लो वॉल्यूम, ये जो ऊपर जाती हुई ये मूव है ना, ये लो वॉल्यूम मूव है। इसका ये मतलब है कि प्रोफेशनल जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर जाने में, इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। जब इंटरेस्टेड नहीं है तो किस चीज में, दो ही काम होते हैं ना मार्केट में, या तो प्राइस ऊपर जाती है या प्राइस नीचे आती है, सम काइंड ऑफ रेंज, अलग एक सिनेरियो है, ठीक है। तो अगर ऊपर लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सेलिंग हो सकती है, राइट। अगेन हाई वॉल्यूम की बात करें तो जैसे
आपको यहाँ पे बताया था कि ये क्लासिक ट्रैप होता है, ठीक है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ऐसी सूरत हाल के अंदर जब भी आपको हायर वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाते हैं, इट मींस अगर मार्केट ऊपर जाती जा रही है तो प्रोफेशनल्स जो हैं सेलिंग कर रहे होते हैं इन पब्लिक बाइंग, मतलब हर्ड जो है इन पब्लिक जो है वो बाइंग कर रही होती है। आपको तमाम MT4 के अंदर जो मौजूद इंडिकेटर्स हैं, मतलब मैं बिल्ट इन इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, MT4 जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ जो इंडिकेटर सेट आपको मिलता है वो इंडिकेटर्स भी आपको बाय शो कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली जब आप ये देख लो कि वॉल्यूम जो है वो हायर होता जा रहा है, हायर होता जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, जब पब्लिक बाइंग कर रही है वो एक्चुअली सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मार्केट किसी रजिस्टर से लंबा नीचे गिरने वाली है, बहुत ज्यादा नीचे आने वाली है, राइट। हाई प्लस वॉल्यूम शो सप्लाई, पब्लिक बाइंग, स्मार्ट मनी सेलिंग, एग्जैक्टली एक जो मैंने बताया कि फेवरेट गेम है, जब पब्लिक बाइंग कर रही होती है और स्मार्ट मनी उसी वक्त सेल कर रही होती है। एक आपको और की पॉइंट बताऊं ट्रेड का, जब पूरी दुनिया को लगे कि अब तो मार्केट बाय में है, उस वक्त आप सेल में आ जाओ, एग्जैक्टली ये साइकोलॉजी है, पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग है ना उसकी यही साइकोलॉजी है। जब भी सबको ये ऐसा लगे, सबको ऐसा लगना शुरू हो जाए, आप 10 बंदों को पूछते हो और वो सब 10 बंदे आपको बताते हैं कि जी मार्केट बाय में है, मार्केट बाय जाएगी, आप उसी वक्त सेल कर दो, ठीक है। बट वो सेलिंग जो है वो किसी ना किसी साइन के बाद करनी है, अभी साइन हम पढ़ने वाले हैं। लो लेस वॉल्यूम, नो इंटरेस्ट टू द अपसाइड फ्रॉम स्मार्ट मनी, सो प्राइस विल लोड, एग्जैक्टली वही बात है कि मतलब लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जाती जा रही है तो प्राइस विल नॉट गो हायर, राइट। तो मार्केट जब ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस विल नॉट गो हायर, इसका मतलब है कि मार्केट करीब करीब में नीचे आ सकती है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं, पॉसिबल है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करके आए, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करके आए, ये पॉसिबल है, इस तरह के बैकग्राउंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है और इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है, बट इट विल वेरी ऑन साइंस, राइट।